नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट बधाई हो में। एक ऐसे कलाकार जो गाने, एक्टिंग, डांस हर चीज में माहिर है, और तो और है तो लड़के लेकिन अब सीता, राधा, पूजा सब बन बैठे, समझ गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की। उनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है, लेकिन उन्होंने अपने बर्थडे से पहले ही आप सबको एक सरप्राइज दे दिया। कल उन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज कर आप सबको खूब एंटरटेनमेंट किया। आयुष्मान ने पहले ही कहा था कि 13 को पूजा तेरी, और हो गई कल पूजा आप सबकी। बता दें, आयुष्मान एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार में जचते हैं। दर्शक उनकी फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि बंदा फिल्में तो बड़ी जबरदस्त करता है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था और आज वे 35 साल के हो गए हैं। उनके माता पिता ने उनका नाम निशांत खुराना रखा, लेकिन जब वे 3 साल के थे तभी उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 5 साल तक थिएटर भी किया है तो वे फिल्मों के अभिनेता, लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत रेडियो और रियलिटी शो से की थी। फिल्में में तो उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन आपकी पूजा रोडीज 2 की विनर रह चुकी है। 2004 में उन्होंने रोडीज सीजन 2 जीतकर 5,00,000 रुपए अपने नाम किए थे। आयुष्मान ने 2012 में फिल्मी की दुनिया में कदम रखा और पहली फिल्म से उन्हें सफलता मिली। विक्की डॉनर उनकी पहली फिल्म सुजीत सरकार के निर्देशन में बनी थी। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्मों में जब अभिनेता या कोई अभिनेत्री काम करती है तो वो पूरा एक्टिंग पर ध्यान देती है, लेकिन आयुष्मान ने एक्टिंग तो की ही, लेकिन पहले ही फिल्म में उन्होंने गाना गा दिया और वो गाना था पानी दा रंग। विक्की डॉनर के बाद उन्होंने नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाई जादा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन यह फिल्में ज्यादा चल नहीं पाई। उन्होंने यह फिल्में लगातार की, लेकिन फिर इन फ्लॉप फिल्मों के बाद आयुष्मान की फिल्म ऐसी आई कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तोड़ डाला। 3 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनकी फिल्म आई दम लगा के हईशा, जिसमें उन्होंने डांस किया था तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। इसमें उनके साथ डांस किया था भूमि पेडनेकर ने, और भूमि को इतना मोटा देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। भूमि ने इस फिल्म के लिए 30 किलो वजन बढ़ाया था। इस फिल्म को शरद कटारिया ने निर्देशित किया था और इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दम लगा के हईशा के बाद उनकी फिल्म आई बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन और बधाई हो। इन फिल्मों से आयुष्मान छा गए और उन्हें इन फिल्मों से पहचान तो मिली, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और फिर इसी साल अनुभव सिन्हा के निर्देशन बनी फिल्म आर्टिकल 15 में आयुष्मान ने धमाका किया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। फिल्म में आयुष्मान एक पुलिस की भूमिका में नजर आए थे। इसमें उनका नाम होता है IPS अयान रंजन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 29 जून को रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म की कहानी ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तोड़ डाला। हर जगह आयुष्मान की सराहना होने लगी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राज शोडिल्ली के निर्देशन में बनी फिल्म ड्रीम गर्ल को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दर्शकों का इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इस फिल्म में आयुष्मान लड़के तो कम लड़की ज्यादा बने हैं। राधा सीता सब बन बैठे आयुष्मान, और साथ ही साथ एक कॉल सेंटर में रात भर बैठ के लड़कियों की आवाज में लड़कों से बात करते। एक झलक में तो कोई पहचान ही नहीं पाए कि आयुष्मान है या फिर कोई लड़की। इस फिल्म में उनके साथ नुसरत भरूचा भी नजर आई है, और अब उनकी अपकमिंग फिल्म है अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म बाला, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष्मान बाइक से ठंडी ठंडी हवा खा के गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी शाहरुख खान का गाना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। और फिर एकदम से हवा का झोंका आता है और उनकी टोपी उड़ जाती है, और फिर आयुष्मान अचानक से थम जाते हैं और फिर गाना गाने लगते हैं, रहने दो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। यह फिल्म 22 नवंबर 2019 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। उनकी शादीशुदा जिंदगी की यदि बात करें तो
तो आयुष्मान खुराना ने साल 2008 में ताहिरा कश्यप से शादी की थी। दोनों दो बच्चों के पेरेंट्स हैं। 2 जनवरी 2012 में दोनों के घर बेटे विराजवीर का जन्म हुआ। इसके बाद 21 अप्रैल 2014 को उनकी बेटी वरुष्का पैदा हुई। सो एट दिन आयुष्मान हैप्पी बर्थडे। इजाजत दीजिए हमें, और भी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।